शहजादे दुनिया को दिखाने आए हैं हम दीवाने फिर से गेम उठाने। पूछो ना ये कैसी रात होगी आज हर सूचा। अच्छा सलाम कैसे हैं खैरियत सर? सर सबसे पहला सवाल पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए अभी आप क्या देख रहे हैं? अभी टीवी नहीं अभी बहुत मेहनत की ज़रूरत है स्पेशली कि हमारे यहाँ जो क्रिकेट है ग्रास रूट पे या डिस्ट्रिक्ट की जो क्रिकेट होती थी वो नहीं है, क्लब क्रिकेट नहीं है, रीजन की क्रिकेट नहीं है, तो सिमेट दी है हमने अपनी क्रिकेट जो कि ऊपर टॉप लेवल पे 6 टीम्स हैं और नीचे भी 6 टीम्स हैं, तो उसमें प्रोडक्शन होने के चांसेस कम हैं, तो उसमें हमें नीचे जो है ना नीचे ज़्यादा क्रिकेट जितनी होगी अंडर 13 अंडर 16 अंडर 19 की उसको फिल्टर करके आप भले 8 टीम्स कर दें। तो अभी मेरा ज़ाती ये राय ये है कि नामुनासिब है ये चीज़ ना कि आप रोक रहे हैं किसी को क्रिकेट खेलने से जो कि प्रोडक्शन भी आपकी वो हाई क्वालिटी नहीं है, जहाँ पे डीमेरिट होता है मेरिट नहीं होती वहाँ पे आप कोशिश करते हो कि बल्क में प्लेयर खेलें और अपनी परफॉर्मेंस दे के वो ऊपर आ जाए। बिल्कुल ऐसे ही तो बाकी जो हम लोग इंतजामिया है जो लोकल गवर्नमेंट है वो क्या क्या कर सकती है? लोकल गवर्नमेंट के हाथ में कुछ भी नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एज़ पर PCB कॉन्स्टिट्यूशन जो क्रिकेट रन होगी पाकिस्तान में वो सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर सकता है। बाकी प्राइवेट जो लोग हैं वो अपनी कोशिश कर रहे हैं जैसे यू पार्क है या दूसरे दीगर ग्राउंड हैं पाकिस्तान में वो प्राइवेटली मेहनत कर रहे हैं, अपनी अकेडमीज बनाई हुई है और उसमें काफ़ी हद तक कामयाबी हुई है, लेकिन अगर गवर्नमेंट लेवल पे अगर देखा जाए तो वो पजीराई नहीं मिल सकी जो मिलनी चाहिए। जी अच्छा सर ये यू पार्क का एक चैनल है यूट्यूब चैनल उसके लिए आपसे इंटरव्यू दे रहे हैं, थैंक यू सो मच आपने अपने बिजी स्केड्यूल से आपने टाइम निकाला। लास्ट क्वेश्चन सिर्फ के यू पार्क की फैसिलिटीज़ कैसी लगी आपको? ये बहुत अच्छी लगी जो ग्राउंड हमने देखे हैं यहाँ पे, अकेडमीज हैं, प्रैक्टिस फैसिलिटीज़ हैं, ग्राउंड है, लाइट रातों को रात का भी इंतजाम किया हुआ है, रात का भी है और सभी अदर साहब ने अपनी अकेडमी यहाँ पे खोली है, तो उम्मीद करते हैं कि मज़ीद बेहतरी आएगी क्योंकि सभी अदर एक बहुत बड़ा नाम है और जॉइंट वेंचर हो गए ये यू पार्क के साथ, तो यू पार्क की फैसिलिटीज़ आम लोगों के लिए भी बहुत अच्छी है। यहाँ पे जो म्यूज़ियम बनाया हुआ है, दूसरे ग्राउंड मतलब के लोग आके खेल रहे हैं, टेप बॉल से भी क्रिकेट खेली जा रही है, तो एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, ग्राउंड खाली नहीं होने चाहिए, तो क्रेडिट जाता है यू पार्क को कि एक्टिविटीज़ हो रही हैं। बिल्कुल सही हो गया। और यंगस्टर्स के लिए कोई पैगाम आप देना चाहें? बस उमर गुल वाला पैगाम सबसे बेहतर है कि शॉर्टकट नहीं है लाइफ में, किसी भी शोबे में किसी भी डिपार्टमेंट में शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टकट लॉन्ग ड्यूरेबल नहीं होता और लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो होती है उसमें भी नुकसान होते हैं। आप जो करना है मेरिट के ऊपर करें, मेहनत करें और मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलता है। थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। सर ये यू पार्क का यूट्यूब चैनल है जिसके लिए आपसे इंटरव्यू दिया जा रहा है, यू पार्क ऑफिशियल ओके यूट्यूब चैनल का नाम है, तो टू स्टार्ट थिंग ऑफ फैसिलिटीज़ कैसी लगी यू पार्क की आपको? नहीं बेहतरीन फैसिलिटीज़ है और जो कहते हैं ना कि एक एक्टिव वो जो 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 एक हेल्थी सोसाइटी और एटमॉस्फेयर मेरे ख्याल से वो सारा कुछ यहाँ पे है, पार्क भी है साथ में, स्पोर्ट्स की भी एक्टिविटीज़ है, तो मेरे ख्याल से हर तरह के ना सिर्फ क्रिकेट के बल्कि आप फुटबॉल के देखिए बाकी दीगर स्पोर्ट्स भी यहाँ पे काम हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल से बड़ी ज़बरदस्त बेहतरीन फैसिलिटीज़ हैं। चलिए अलहमदिल्ला। तो और आगे क्या हो सकता है, आगे क्या कर सकते हैं पाकिस्तानी क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए? देखिए आप ये एक अच्छे इनिशिएटिव है जिस तरह से भी भाई ने यहाँ पे सबसे बड़ी बात तो ये कि आप लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हो, यहाँ पे आप उनको जगह दे रहे हो, लैंड दे रहे हो उनको कि वो यहाँ पे आके वो एकेडमी बने, जिस तरह से भी सभी भाई ने अपनी एकेडमी यहाँ पे स्टार्ट की है, तो मेरे ख्याल से यहाँ ये टैलेंट तो है हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में, टैलेंट तो बहुत है, लेकिन जिस चीज़ में आप ले कर रहे हैं कि हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं, ग्राउंड नहीं, अकेडमी नहीं है, मेरे ख्याल से ये बेहतरीन एनवायरनमेंट है यहाँ पे कि क्रिकेट ग्राउंड भी अवेलेबल है साथ में एकेडमी भी है, तो नो डाउट कि ऐसी ये जो टैलेंट है यहाँ पे पॉलिश होकर इंशाल्लाह फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान के लिए सर्विस देंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान अल्टीमेट थिंग है। पर्सनल अगर आपसे कोई सवाल पूछूं कि आपके करियर 22 ईयर्स का करियर है और उसमें यह है कि काफ़ी ऊंचाइयाँ भी आई, काफ़ी डाउनवर्ड भी, आपका फेवरेट कौन सा मोमेंट था? फेवरेट तो देखे टू बी ऑनेस्ट जब फर्स्ट टाइम मैं जब रिप्रेजेंट कर रहा था और फर्स्ट टाइम जब मैंने ग्रीन जर्सी वो पहनी है और जो स्टार मुझे लगा है तो वो तो ज़बरदस्त मोमेंट था, वो कभी भी मैं भूल नहीं सकता, और मेरा जब डेब्यू हुआ था तो लकीली राशिद भाई इधर ही थे और राशिद भाई की कैप्टनसी में मेरे वो डेब्यू हुआ था, तो इट्स ऑलवेज अ ग्रेट ऑनर एंड आप कह सकते कि एक आपके
ऑनर होता है कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना और आप बींग एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान आप जाते हो दूसरी कंट्रीज में खेलते हो, मेरे ख्याल से बड़े ऑनर की बात है ये। और आपके जो आपने अपने यॉर्कर्स कैसे परफेक्ट किए थे, वो जो एक यॉर्कर आपके आते थे प्रैक्टिस में क्यों परफेक्ट, सिंपल थ्योरी सही हो गया। तो यंगस्टर्स के लिए कोई पैगाम आप देना चाहें? मैं हमेशा यही जो मेरा मैसेज होता है ना यंगस्टर्स से कि हार्ड वर्क पर बिलीव करें, मेहनत बहुत ज़रूरी है क्योंकि हार्ड वर्क के बगैर कुछ भी आप हासिल नहीं कर सकते। डिसिप्लिन का होना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि बींग अ मुस्लिम हमें या हमारा दीन भी यही बताता है और हम हमारे मज़हब में भी ये चीज़ है कि जब तक आप सबसे बड़ी मिसाल आपकी नमाज है क्योंकि नमाज आपको डिसिप्लिन सिखाते हैं। आप नमाज के में जिस तरह हमें डिसिप्लिन का पैगाम मिलता है, इस तरह हमें हर जॉब में हर डिपार्टमेंट में जब तक आप डिसिप्लिन नहीं होंगे, पंक्चुअल नहीं होंगे, तो आप आगे नहीं जा सकते। शॉर्टकट का कभी भी ना सोचें और हमेशा सेल्फ बिलीव और हार्ड वर्क पर बिलीव करें। फास्ट बॉलिंग बड़ा मुश्किल डिपार्टमेंट है बनिस्बत बैट्समैनों की और स्पिनर की क्योंकि इसमें आपको आपकी बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी चाहिए, आपके बहुत ज़्यादा आपके मसल स्ट्रांग होने चाहिए। तो जितनी ज़्यादा वो ट्रेनिंग कर सकते हैं, जितनी ज़्यादा वो स्प्रिंट लगा सकते हैं, जो ग्राउंड ट्रेनिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आजकल बल्कि अभी तो ये जिम वगैरह ये भी मस्ट है क्योंकि जितने रिसर्च हुए और जितनी इस पर हर स्पोर्ट्स में मेरे ख्याल से ग्राउंड ट्रेनिंग के साथ साथ आपकी जिम ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी है और आपको प्रॉपर अपने रेस्ट और डाइट का बहुत ख्याल रखना। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। मुझे बताया इतना बिजी स्केड्यूल में आपने हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच सर।